तुम्हारे चेहरे के आंसुओं पर जब नजर पड़ती है और मैं सोचने लगता हूं कि ये आंसू किस गुनाह की यादगार बनकर बह रहे हैं, तो मेरी नजरें शर्म से झुक जाती हैं। मिसेस सिंह आने वाली है, मैंने बहुत मना किया, वो किसी तरह नहीं मानी। ये आंसू किसी और नजर के लिए बड़े कीमती आंसू होंगे, लेकिन मेरी नजर में अब इन आंसू की कोई कीमत नहीं। मैं कह चुकी घर में मेहमान आने वाले हैं, we should be nice to them. आखिर तुमने ऐसा क्यों किया नीना? वो कौन सी कशिश थी जिसके बगैर तुम जी नहीं सकती थी? क्या वो कशिश रीता से ज्यादा हसीन, पवन से ज्यादा मासूम और मेरी मोहब्बत से बहुत ज्यादा पवित्र थी? कम से कम मेहमानों से तो अच्छा बर्ताव करना चाहिए। जो बर्ताव तुमने मेरे साथ किया है शायद मेरा दुश्मन भी ना करता नीना, वो तो सिर्फ मेरी जान ले लेता। लेकिन तुमने तो वो जख्म लगाया है जो ना जीने देता है और ना मरने देता है। इंसान मर जाते हैं तो उनको माफ कर दिया जाता है,
नहीं नीना, मैं माफ नहीं कर सकता। सब कुछ कर सकता हूं लेकिन तुमको माफ नहीं कर सकता। 4 महीने घर से बाहर रहने में बड़े से बड़ा इनकलाब आ सकता था। मैं मर सकता था, तुम मर सकती थी, लेकिन मेरा प्यार कभी नहीं मर सकता था। क्या तुम उससे प्यार करती हो? क्या वो तुमसे प्यार करता है? मुझे कुछ नहीं मालूम अनिल, कुछ नहीं मालूम। तुम्हें मर जाना चाहिए। जा जा के